पहले हमने आपको दिखाया बाहर बार से जन्नतुल बकी, अभी जो है ना हम अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर से दिखाएंगे आप। तो ये जन्नतुल बकी की तरफ लोग भाग भाग कर जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। ये देखिए वहाँ पे खवातीन को नहीं आने दिया जा रहा, रोक दिया जाता है हरम हरम कह के। और इस साइड पे रोज़े रसूल खुदा, उसके बिल्कुल सामने जन्नतुल बकी का गेट है। जैसे ही जन्नतुल बकी के अंदर आप दाखिल होंगे तो सीधे हाथ पर कुछ जालियां और बोर्ड आपको नजर आएंगे। इन जालियों के साथ ही आपको अहल बैत के रोजे नजर आएंगे। पहली बार आप जन्नतुल बकी के अंदर दाखिल हों तो आपको मालूम नहीं होता कि अहल बैत के रोजे किस तरफ हैं। जहां पर आप पुलिस वाले ज्यादा देखें तो समझ जाना अहल बैत के रोजे उसी तरफ हैं। आज भी इन जालियों के साथ आपको ठहरने की इजाजत नहीं होती, आपको वीडियो बनाने से रोका जाता है, सलाम पढ़ने से रोका जाता है। अहल बैत की तरफ जाने वाला रास्ता आज भी बंद आपको देखने को मिलेगा। इस मकाम पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रोजा है जो रसूल खुदा के नवासे थे। दीवार के साथ अलग से कबर बीवी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है जो रसूल खुदा की बेटी थी। जब बीवी फातिमतुज़्ज़हरा रसूल खुदा के सामने आती तो रसूल खुदा उठकर उनका इस्तकबाल किया करते थे। पिछली सदी में इस मकाम पर अहल बैत के रोजे बने हुए थे जिन्हें आले सऊद ने हदीसों का हवाला देकर तोड़ दिया था। अल्लाह रे ये फातिमा ज़हरा की बेकसी, एक शम्मा भी जलाने को आता नहीं कोई, तन्हा है गोशे में बेटी रसूल की, चारों तरफ मदीने में फैली है रोशनी, टूटे हुए मजार से लिपटी है बेकसी। अच्छा जी, ये दो पत्थर रखे हुए हैं, दो पत्थर का मतलब है ये खातून की कब्र है और वो एक पत्थर रखा हुआ है तो उसका मतलब है ये मर्द की कब्र है। ये फिर खातून की कब्र आ गई है और ये मर्द की। जहाँ पे पुलिस आपको ज्यादा नजर आए तो समझ जाना कि वहीं पर भी फातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक है। ये जितने भी सहाबा कराम हैं उनके ऊपर इस तरह की बजरी डली हुई है, ये देख रहे हैं आप। जिधर भी कोई बहुत बड़ी मुकद्दस हस्ती की कब्र मुबारक होती है वहां पर एक या दो मतलब फौजी जरूर ठहरे होते हैं, लेकिन अहल बैत के रोजे बीवी फातिमतुज़्ज़हरा पर आपको आज भी 15-20 फौजी सिपाही नजर आएंगे। सामने है जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, उसके बिल्कुल ये गेट आखिरी गेट है, इसी के ये इस पहाड़ी के ऊपर आपको अहल बैत के रोजे नजर आते हैं। पहाड़ी ऐसे घूम के उस साइड पे बने हुए है, जो बाद लोग ढेंक रहे होते हैं कि वो दीवारें कहाँ हैं। ये है वो सामने वाली जाली, इसी जाली के उस साइड से रोजे हैं, ये देखते हैं। यही रास्ता लेके जाओ सीधा आखिर में आपको भी फातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अहल बैत का रोजा। अस्सलाम वालेकुम सर। ये है सामने जी रोजे। अब जी बंद कर दिया इन्होंने, बंद, अब हम सीधा बाहर जा रहे हैं।